हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मिनी समोसे जो हैं उनको बनाएंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी तैयार करने के लिए ना थोड़ा सा पानी ले लिया है, जिसमें हम गुड़ और इमली जो है वो डाल देंगे। गुड़ की जगह आप शक्कर या चीनी भी ले सकते हो। इसको हमने 10-15 मिनट तक बॉईल करना है, उसके बाद हम पानी को छान लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और ये जो इमली है इसमें ये अब सॉफ्ट हो चुकी थी, तो आपको ना इसको प्रेस करना है धीरे से, ताकि जो भी इसमें से जूस है वो सारा निकल जाए अच्छे से। सो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और जो सारा रस है वो निकाल लेंगे। अब हम इसको वापस ना बॉईल करेंगे 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर जो था, और यहाँ लाल कश्मीरी मिर्च ली है कलर के लिए और थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए, वैसे इससे ज़्यादा कलर ही आएगा। अब हम इसको बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था, आप चाहो तो हींग भी ऐड कर सकते हो। सो इसको हमने अच्छे से बॉईल करना है। अगर आपको ये गाढ़ी चाहिए तो आप इसको ज़्यादा देर तक बॉईल करना, मुझे थोड़ी पतली ही चाहिए थी सो मैंने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं किया। अब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना वो ऊपर रह जाएंगे, सो हमें जो स्मूथ सी स्लरी है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है और हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। ये खट्टी भी थी, मीठी भी थी, और इसमें ना थोड़ा सा तीखापन भी आ रहा था क्योंकि जो हमने लाल मिर्च डाली थी। सो ये तीनों का कॉम्बो है। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने तेल लिया है, यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है, साथ ही मैंने मिर्च जो है वो ली है हरी। यहाँ पर मैंने मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा रखी क्योंकि मुझे तीखी स्टफिंग पसंद है। यहाँ पर हम प्याज डाल लेंगे और इनको सॉटे करेंगे 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर जो हमारे बॉईल किए हुए आलू हैं हम वो डाल देंगे अच्छे से क्रश करके। अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, हल्दी, हरा धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और मटर जो है हमारे वो डाल देंगे। मटर ये फ्रोज़न वाले थे सो ये ऑलरेडी सॉफ्ट थे, मैंने इनको पानी में भिगो के रखा था। अब हम स्टफिंग को ना मिक्स कर लेंगे। ये ना स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मेरा मन था कि मैं ऐसे ही खा लूँ इसे समोसे रहने दो बनाने के लिए। ये एक्चुअली सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, आप इसको डोसा में भी यूज़ कर सकते हो। अब हम आटा तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 जो कटोरी है वो मैदा लिया है, साथ ही हम इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब हम इसमें जो मैंने ब्लैक सेसमी सीड्स जो हैं वो ली है, ये ऑप्शनल है, अजवाइन भी आप डाल सकते हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये आटा बाइंड होने लग जाए, आप देखोगे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, बाइंड करने लग जाए तो मतलब हम इसमें पानी डालकर अब इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पानी डालकर इसको गूंद लेंगे अच्छे से। आटा जो है हमने थोड़ा सख्ती लगाना है क्योंकि हम इसको 10-15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। 10-15 मिनट भी नहीं, आपको सिर्फ 5-10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है। सो अब हम अपना आटा जो है एक बार फिर से चेक करेंगे। तो अब हम बनाएंगे समोसे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बॉल ले ली है। अब हम इसको अच्छे से रोल आउट कर लेंगे। आप साथ ही साथ थोड़ा सा इसके ऊपर आटा भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये नीचे चिपके ना। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। सो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगा ये। हमने एक साइड ली, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाया, दूसरी साइड को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अच्छे से आपको इसको बंद कर देना है ताकि ये खुले ना। अब इसमें हम फिलिंग जो है वो भर लेंगे। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी, बहुत कम भी नहीं भरनी। अब हम इसको क्या करेंगे कि पिंच करना स्टार्ट करेंगे। हमने बंद कर दिया, यहाँ पर हम एक छोटी सी प्लेट बनाएंगे फिर बंद कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। सो आप देख सकते हो कि बहुत इजी है। अब यहाँ हम इसे फोक से जो है वो बंद कर देंगे ताकि ये ना खुले ना, कई बार तलते टाइम जो है समोसे खुल जाते हैं नीचे से, सो उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो।
लाइकवाइज हम इसको भी बना लेंगे, अच्छे से बंद कर लेंगे, इसमें फिलिंग भर लेंगे और इसको भी बंद कर देंगे। इसमें पहले मैंने जो प्लीट है वो बना ली है बीच में, और साइड से पिंच करना स्टार्ट कर दिया। आप जैसे मर्जी बना सकते हो। सो समोसा जो है हमारा ये भी बन चुका है। ऐसे ही हम बाकी समोसे जो हैं वो भी बना लेंगे। सो मैंने 2 कटोरी मैदा ली थी और उसमें मेरे जो हैं वो 10 समोसे बन चुके थे, 10 समोसे बन गए थे छोटे वाले। सो आप अपने अकॉर्डिंगली आटे की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हो। सो हमारे समोसे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम जो पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम समोसे जो हैं इसमें डाल देंगे और फिर ना फ्लेम को मीडियम कर देंगे, हाई भी नहीं रखनी है, ताकि ये अंदर से भी ना मैदा अच्छे से पक जाए। मैंने बाकी के समोसे भी जो हैं वो सारे तैयार करके रख लिए हैं जितनी देर ये तल हो रहे हैं, और अब हम इनको फ्लिप कर देंगे दोनों साइड, ताकि ये दोनों साइड से पक जाएं। अब इनका कलर आप देख सकते हो कि हल्का ब्राउन जो है वो आ चुका है। हमने दोनों साइड से ना इसको हल्का ब्राउन जो है वो कर लेना है, और हमारे जो समोसे हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। हम नीचे एक पेपर रख लेंगे ताकि जो सारा इसका तेल है वो इसमें से पेपर जो है वो सोक कर ले। अब हमारे जो बाकी समोसे हैं वो भी मैं डाल दूंगी इसमें। सो हमारे समोसे बन चुके हैं। सो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और इनकी जो स्टफिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और चटनी भी जो थी वो बहुत अच्छी बनी थी। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी चटनी से कि अच्छी बनेगी, बट खट्टी मीठी थी, थोड़ी तीखी भी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये। सो आई होप आप इनको घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करोगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू